नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज इस वीडियो में वन प्लस नॉर्ड रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फॉर्टनाइट, गेमिंग टेस्ट, एफपीएस टेस्ट, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। साथ में मैं स्मार्टफोन का गिवे भी करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास ये दो अवेलेबल है जिसमें मैं एक स्मार्टफोन का गिवे भी करूंगा। तो गिवे में मेरे इस पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। कब अनाउंस करूंगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो मेरे इस वीडियो 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाने के बाद और जो मेरे चैनल पे एक और गिवे चला है थ्री प्रोडक्ट्स का, उस पे 2K व्यूज कंप्लीट हो जाने के बाद, जब मेरे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद मैं गिवे विनर अनाउंस करूंगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा थ्री प्रोडक्ट गिवे चल रहा है उसको भी जाके देखिए और उसका भी टारगेट कंप्लीट कीजिए। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आप लोग ये जल्द से जल्द कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। जैसा देख सकते हैं मेरे पास ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, उसके बीच में लाइनिंग है, वो बॉक्स ओपन कर लिया है और मेरे सामने स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने मिलता है। तो बॉक्स के अंदर में मिल जाता है कुछ पेपर बॉक्स, साथ में रेड कलर का टाइप सी केबल और 30 वाट का फास्ट चार्जर। तो प्लास्टिक रैप मैंने हटा लिया है। देखिए मेरे पास ब्लू कलर के दोनों ही स्मार्टफोन अवेलेबल है, बहुत ही प्यारा अच्छे लुक दे रहा है। उसी के साथ हमारे पास ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस भी मिलता है। देख सकते हैं मेरे पास दो स्मार्टफोन है और 3 सिलिकॉन केसेस हैं, जिसमें मैं एक स्मार्टफोन का गिवे करूंगा। साथ में अगर इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। नीचे तरफ हमें मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, उसी के बगल में टाइप पोर्ट, माइक्रोफोन होल और उसी के साथ सिम ट्रे मिल जाता है। इसकी बिल्ड और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आगे और पीछे दोनों तरफ से गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड हमें मिलता है। अगर रियर इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसमें रियर में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन इसका कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें डुअल LED फ्लैश भी मिलता है। इसमें हम 4K 30fps, Full HD 3060 और 240 स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट में हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसी साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें हम 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले हमें 6.44 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 16 मिलियन कलर्स के साथ, जो कॉर्ने गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन के साथ आता है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये एंड्रॉइड 10 के साथ ऑक्सीजन ओएस 10 के साथ ही आता है। इसमें हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G, एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 7nm बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसी साथ में इसकी जीपीयू की बात करूं तो इसमें हमें एंड्रॉइड 620 GPU देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा गेम एक्सपीरियंस हमें देखने को देता है और इसमें हमें सभी जरूरी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए इसमें हमें डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट मिलता है और इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। और मैं इसकी बैटरी की बात करूँ इसमें हमें 4115 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये हमारे स्मार्टफोन को आधे घंटे में 70% चार्ज कर देता है। तो चलिए आप मेरे इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्टनाइट, उसके बाद पबजी मोबाइल, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी और उसके बाद पास्कल वेगर गेम प्ले करने वाला हूँ, जो सभी हाई ग्राफिक्स गेम है। तो आप इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए और साथ में मैं लास्ट में इसका रिव्यू बताऊंगा कैसे हमें गेम में कोई प्रॉब्लम देखने मिलती है, फिर कैसा इसमें गेम प्ले चलता है। तो आप इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए।
तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपने मेरे इस गेम प्ले को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मैं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सभी गेम्स बहुत ही स्मूथली चल रहे थे, मुझे किसी भी गेम्स में जरा सा भी कोई भी लैग शटर या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। ये ज़्यादा डिवाइस हीट भी नहीं होता और इसमें बैटरी बहुत ही कम ड्रेन होती है। ओवर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा स्मार्टफोन के साथ। और मैं इसकी डिस्प्ले और टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो टच भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, साथ में मुझे बहुत ही फ्लूइड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, बहुत ही मक्खर इसमें डिस्प्ले है और बिल्ड क्वालिटी सब कुछ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई साहब ये ब्रांड ही जाना जाता है अपने बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल फिनिश के लिए। तो वन प्लस का ब्रांड है तो इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें बिल्ड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है या फिर किसी भी तरह से। अब मैं ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो इस प्राइस सेगमेंट में तहलका मजा देने वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ब्रांड वन प्लस लग जाता है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही अच्छी रखी गई है। स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में इसकी 25,000 रुपये है, जो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस रेंज में बहुत ही कड़ी कॉम्पिटिशन मिलने वाली है और सभी स्मार्टफोन की। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। साथ में आपको याद दिला दूं मेरे चैनल पर 3 वीडियो का गिवअवे भी चल रहा है, तो उसको जाके देखिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एक्साइटिंग प्राइजेस और कैश जीतने का मौका है। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।